नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आज मैं आपसे बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के पूल प्लान के बारे में। एक पूल इनकम प्लान, आपने मार्केट में काफ़ी प्लान सुने होंगे, जैसे बाइनरी प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, हाइब्रिड प्लान होता है, फिर नॉर्मल जनरेशन प्लान, जनरेशन पूल प्लान। तो इन प्लान्स में क्या डिफरेंस है और प्लान्स का सबसे सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पे आउट प्लान कौन सा है, ईजिएस्ट पे आउट प्लान कौन सा है, तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे पूल प्लान आपको ज़्यादा पैसा देता है एज कम्पेयर टू अदर प्लान्स। तो चलिए शुरू करते हैं और जनरेशन पूल प्लान के बारे में बात करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप ऐसी वीडियो रियल टाइम में देख सकें। तो बात कर रहे हैं हम जनरेशन पूल प्लान की। तो जनरेशन पूल प्लान क्या है तो और नॉर्मल प्लान में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपके सामने है कि जो नॉर्मल जनरेशन है वहाँ पे आपको कम पैसा मिलता है और जनरेशन विद पूल और जिस जनरेशन प्लान में पूल है वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। आगे मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। और जो नॉर्मल जनरेशन प्लान है वहाँ पे कंपनियाँ बोलती हैं कि आप अप टू 50% मतलब कि आप यहाँ तक कमा सकते हो, कोई गारंटी नहीं है कि कमाओगे, कमा सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क है अप टू। लेकिन जनरेशन विद पूल में क्या है कि आप गारंटेड इतना पैसा कमाओगे। और जब हम नॉर्मल जनरेशन प्लान की बात करते हैं तो वहां पे पे आउट उठता है सिर्फ 30% मैक्सिमम ऑन बिजनेस वॉल्यूम। और जहां पे पूल इनकम भी बात करते हैं तो वहां पे 60% प्लस का एक इनकम उठता है, 60% मिनिमम इनकम उठता है वहां पे। और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की ऑन रुपीज वैल्यू, तो जो नॉर्मल जनरेशन प्लान है वो 20-25% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो मलेशियन कंपनी है, चाहे अमेरिकन कंपनी है, रुपीज वैल्यू पे कोई भी कंपनी 20-25 हार्डली 30% से ज़्यादा कोई नहीं देगा। और जहाँ पे पूल प्लान की बात करते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो लोकल कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, वो बेस्ट इन मार्केट होती है और आपको 40% प्लस डिस्ट्रीब्यूशन देती है। आप मार्केट के अगर आप थोड़े से पुराने लीडर हो या थोड़े से समझदार लीडर हो, थोड़ा टेक्निकल पार्ट्स में ज़्यादा जाते हो, प्लान की गहराई में जाते हो, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि मार्केट का जब आप पहले दिन प्लान देखते हो तो आपको समझ नहीं आता है, दूसरे या तीसरे दिन, या मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने काम करके आप उसको पता चलता है कि इस प्लान में प्रॉब्लम्स क्या हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई प्लान नॉर्मल देखते हो तो उसमें बताया तो जाता है कि 60% पे आउट है, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि वो प्लान नॉर्मल प्लान है, वो प्लान कोई पूल प्लान नहीं है, या उसमें पूल इनकम होगी तो नाम मात्र होगी, मतलब एक आधी पूल इनकम दे देंगे, 3% का पूल इनकम दे देंगे, 5% का पूल इनकम दे देंगे, मतलब कि आपको मार्केट का कोई भी ऐसा प्लान नहीं मिलेगा जो आपको 100% पूल इनकम दे। क्यों? क्योंकि कंपनियां 100% पूल इनकम दे नहीं सकती। उसका कारण यह है कि अगर कंपनियां 100% पूल इनकम देना शुरू कर देंगी तो उनको जितना उन्होंने कमिट किया है वो उनको सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा। और अगर ये कंपनियां पैसा सारा का सारा देना शुरू कर दें तो ये कंपनियों को काफी प्रॉब्लम होने, क्योंकि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है जो आपको तकरीबन 100% पैसा पूल इनकम देती है? यस है, ऐसे काफी कंपनीज हैं जो आपको सारा का सारा जो है पूल इनकम प्लान देती हैं। इसके लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 100% पूल इनकम देती हैं। नेक्स्ट, सक्सेस परसेंटेज जो मार्केट की नॉर्मल जनरेशन प्लान है उनमें काफी कम है, और पूल इनकम की जो कंपनीज हैं उनमें बेस्ट इन द मार्केट है। और आपको ऐसा इनकम, इससे ज़्यादा इनकम, पूल इनकम से ज़्यादा इनकम तो कोई कंपनी दे नहीं सकती, कोई प्लान आपको दे नहीं सकता इससे ज़्यादा पैसा। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आगे हम नॉर्मल जनरेशन प्लान को और नॉर्मल जनरेशन प्लान को कंपेयर करेंगे हम जनरेशन पूल प्लान के साथ, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कंपनियाँ पैसा बचाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कंपनीज पैसा कहाँ पे बचा रही हैं या कंपनियां पैसा कहाँ पे ज्यादा दे रही हैं और कहाँ से कंपनियां ब्रेक लगाती हैं पैसे को।
तो आपको ये वीडियो आगे जाके ये समझ आ जाएगा, दो एक दो बार सुनोगे आप तो, जब टेक्निकलिटी में देखोगे, जब खुद कैलकुलेशन लगाओगे कि कहाँ पे ब्रेक लगाती है कंपनी पैसा देने में। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक परसेंटेज शेयर कर रहा हूँ, ये परसेंटेज है नॉर्मल जनरेशन प्लान की, और ये एग्जाम्पल है, ये कोई रियल प्लान नहीं है किसी कंपनी का, इट्स जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपकी कंपनी है या मेरी कंपनी है, इस कंपनी में मैंने क्या किया कि कोई भी लीडर या कोई भी लीडर अपनी टीम से अगर वो 1,00,000 रुपए से कम सेल निकालता है तो मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, मैं उसको कोई परसेंटेज शेयर नहीं दूंगा, वो सिर्फ वो MRP पे कमा लेगा, मतलब सामान बेचेगा तो उसको पैसा आ जाएगा, लेकिन प्लान के हिसाब से मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। और अगर कोई लीडर 1,00,000 रुपए से प्लस बिजनेस करता है तो मैं उसको 10% दे दूंगा, और अगर कोई लीडर 2,00,000 रुपए से ऊपर का बिजनेस करेगा तो 20%, कोई लीडर 3,00,000 रुपए का ऊपर से बिजनेस करेगा तो 30%, और जो लीडर 4,00,000 रुपए का ऊपर बिजनेस करेगा उसको मैं 40% दूंगा। ये है नॉर्मल, आप अपने प्लान, अगर आप नॉर्मल जनरेशन कंपनी में काम करते हो तो उसमें इसी तरह का आपको प्लान देखने को मिलता है। अब मैं क्या करूंगा, जनरेशन प्लान में देखते हैं, नॉर्मल जनरेशन प्लान में क्या हो रहा है कि नॉर्मल जनरेशन प्लान में क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो 1,00,000 रुपए से कम करने वाले जो सेल वाले बंदे हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही होएगा किसी भी कंपनी में अचीवर जो हैं वो बहुत कम होंगे, किसी भी फील्ड में अचीवर्स बहुत कम होते हैं। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 10,00,000 रुपए की सेल वहां से आई जा, किसी ने 1,00,000 रुपए से कम सेल की है, जैसे किसी ने अपने घर के लिए सामान खरीदा है 10,000 रुपए का, किसी ने किसी को थोड़ा सा सामान बेचा है 5,000 रुपए का, ऐसे करते करते कोई 100 लोग हैं 100% हैं जिन्होंने 1,00,000 रुपए का सेल या 10,00,000 रुपए का सेल निकाल दिया है, लेकिन 100 लोग हैं और इन 100 लोगों में से किसी की भी सेल जो है वो 1,00,000 रुपए के ऊपर नहीं गई, ठीक है। और दूसरी स्टैप में क्या हुआ कि 1,00,000 रुपए की सेल निकालने वाले 10 लोग आ गए, सॉरी 7 लोग आ गए जिन्होंने 1,00,000 रुपए की सेल की, 7 लोग, और इन्होंने मिलके तकरीबन 10,00,000 रुपए का बिजनेस इन्होंने भी कर दिया। किसी ने 1,10,000 रुपए का किया होगा, किसी ने 1,20,000 रुपए का किया होगा, किसी ने 1,00,000 रुपए का ही किया होगा, ठीक है ना, किसी ने 2,00,000 रुपए का भी कर दिया होगा। ऐसे क्या 7 बंदों ने मिलके 10,00,000 रुपए की सेल की और ये सातों के सातों ने 1,00,000 रुपए से ऊपर की सेल की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि तीन लोगों ने क्या किया, 2,00,000 रुपए की ऊपर की सेल की और टोटल सेल इन्होंने पहुंचा दी 10,00,000 रुपए की, मतलब किसी ने 2,50,000 रुपए की सेल की होगी, किसी ने 3,00,000 रुपए की सेल की होगी, 3,50,000 रुपए की, ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया कि 10,00,000 रुपए की सेल कर दी 3 लोगों ने, ठीक है। तो ये हुआ, तो नेक्स्ट क्या हुआ कि दो लोगों ने मिलके तकरीबन 7,00,000 रुपए की सेल कर दी, जैसे किसी ने 3,80,000 की सेल कर दी तो दूसरे ने 3,20,000 या 3,50,000 रुपए की सेल करके, ऐसे दो लोगों ने मान लो कि 7,00,000 रुपए की सेल कर दी और सिर्फ एक आदमी ने 4,00,000 रुपए से ऊपर की सेल की, मतलब उसने 5,00,000 रुपए की सेल कर दी, तो ये टोटल सेल जो बनी वो बनी 42,00,000 रुपए की। अब 42,00,000 रुपए की सेल ये टोटल बनी है और ये 42,00,000 रुपए का, अब देखिए कंपनी ने कमिट क्या किया था कि वो अप टू 40% देगा, मतलब कि 40% देगा, लेकिन 40% देगा किसको, जो 4,00,000 रुपए की सेल करेगा। अब ऐसे देखें, अगर इसकी जगह अप टू ना होता और कंपनी बोलती कि मैं 40% दूंगी कि जो मेरा लीडर काम करेगा थोड़ा सा काम करके बताएगा, जो अचीवर बनेगा उसको मैं 40% दूंगी, तो ऐसे होना क्या था कि 42,00,000 रुपए का 40% लगभग 16,80,000 रुपए कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ना था, लेकिन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया कितना ये देखते हैं हम कि कंपनी ने 10,00,000 का 10% जो 7 लोगों में बांटा वो लगभग बांटा 1,00,000 रुपए, 10,00,000 का 20% जो 3 लोगों में बांटा वो बांटा उन्होंने 2,00,000 रुपए, 7,00,000 का 30% 2 लोगों में बांटा 2,10,000 रुपए, 5,00,000 का 40% एक आदमी में बांटा लगभग 2,00,000 रुपए, और ये टोटल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की 7,10,000 रुपए की। कंपनी की मैं सेविंग की बात करूं, कंपनी वैसे बहुत पैसा कमा रही है, मार्जिन से, प्लान से, डिस्ट्रीब्यूशन से, मार्केटिंग से काफी पैसा कमा भी रही है, लेकिन कंपनी ने जो पैसा फील्ड में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर या फील्ड में काम करने वाले नेटवर्कर को देना था उसमें से भी कंपनी ने 9,70,000 रुपए निकाल लिए।
यहाँ पे आके आपको एक बात सोचनी होगी कि आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जो आपकी हार्ड अर्नड मनी को, जो आपका हक है, उसमें देखिए कि 7,10,000 रुपए कंपनी बांट रही है, और जो पैसा उसने बांटना था उसमें से दुगने से ज्यादा कंपनी ने पैसा उसमें से भी बचा लिया, 40% उसने बचा लिया। ये होता है नॉर्मल जनरेशन प्लान में। अब इसकी जगह पूल जनरेशन प्लान में काम करते तो वहां पे क्या आपको प्लस पॉइंट आने थे। तो मान लीजिए सेम सिनेरियो, सेम स्लैब्स, मतलब कि 1 लाख रुपए से कम सेल करने वाले को 0%, 1 लाख से ऊपर सेल करने वाले को 10%, 2 लाख वाले को 20, 3 लाख वाले को 30, 4 लाख वाले को 40% की स्लैब हम दें, तो यहाँ पे सेम सेल, सेम पर्सन, सब कुछ सेम है, लेकिन मैं यहाँ इस प्लान को चेंज करके कौन सा प्लान कर देता हूँ, पूल जनरेशन प्लान। मतलब पहले हमने यहाँ पे देखा नॉर्मल जनरेशन प्लान, अब हम देखेंगे पावर ऑफ पूल जनरेशन प्लान। पूल जनरेशन प्लान में क्या हुआ कि जैसे ही आपने 1 लाख रुपए की सेल की तो आपको 10% पहले आए थे पैसे, लेकिन अब आपको 10% आए पॉइंट, मतलब कि 1 लाख पॉइंट। अब ये 1 लाख पॉइंट कितने लोगों को दिए, 7 लोगों को। सेम जैसे पहले यहाँ पे 1 लाख रुपए की सेल की थी ना, 10, 7 बंदों ने, जो टोटल मिलके 10 लाख हुई थी, और उनको 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए दिया था। तो यहाँ पे भी सेम हुआ कि यहाँ पे भी आपने 10 लाख रुपए की सेल की 7 बंदों ने, और इनको 10% के हिसाब से 1 लाख पॉइंट दे दिए, पैसे नहीं दिए पॉइंट दे दिए। और सेम जहां पे कंपनी ने 7,10,000 रुपए बांटे थे, वहीं पे कंपनी ने क्या किया, 7,10,000 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इन पॉइंट बेसिस पे क्या होगा, देखिए कैसे कंपनी की अर्निंग, जो यहां पे कंपनी बचा रही थी, यहां पे पूल जनरेशन वाली कंपनी, अगेन जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो फील्ड में जाके मेहनत करेगा उसी की जेब में दोबारा डालेगी। देखिए आप, अब यहां पे क्या किया कंपनी ने, पॉइंट वैल्यू कैलकुलेशन की। कैसे की कंपनी ने, क्या किया, कंपनी की सेल का टोटल 40% निकाला। अब कंपनी की सेल का टोटल 40% निकला 16,80,000 रुपए। यहां पे जैसे हमने देखा था कंपनी की सेल का 40%, 16,80,000 रुपए ये कंपनी ने यहां पे रखा, और कंपनी ने इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ पॉइंट अर्नड बाय लीडर्स। अब लीडर्स ने कितने पॉइंट अर्न किए, 7,10,000। अब इन्होंने क्या किया, 16,80,000 रुपए को डिवाइड कर दिया 7,10,000 रुपए के साथ, और ये पॉइंट वैल्यू निकल के आई 2 रुपए 36 पैसे। अब मतलब क्या है, जिस लीडर के पास एक पॉइंट है उस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए 36 पैसे। मतलब कि जिन 7 लीडर्स का पहले चेक था 1 लाख रुपए का, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2,02,36 रुपए के साथ, 2 रुपए 36 पैसे के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया, और उनका चेक बन गया 2,36,000 रुपए से ऊपर। जिस लीडर का चेक 2 लाख रुपए था उस लीडर का अब चेक हो गया 4,73,000 रुपए, और जहां पे कंपनी बांट रही थी 7,10,000 रुपए, वहां पे कंपनी को अब पूरा का पूरा 16,80,000 रुपए से का पे आउट अब कंपनी को बांटना पड़ेगा। ये है पावर ऑफ पूल जनरेशन प्लान। मैं प्राउडली बोलता हूं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां पे पूल जनरेशन प्लान है, और वहां पे 100% पैसा दोस्तों पूल इनकम का है, और ये फायदा है हमें यहाँ पे काम करने का, क्योंकि हमें मार्केट से, क्योंकि जहां पे 1 लाख रुपए का पे आउट बन रहा था वहां पे अब बन रहा है 2,36,000 का, 2 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, 2 गुना ज्यादा पैसा मिलता है जो पूल इनकम में काम करते हैं, जो 100% पूल इनकम में काम करते हैं। और अगर आप चेक करो कि आपकी कंपनी कौन सा प्लान दे रही है, आपकी कंपनी बाइनरी शाइनरी में आपको घुमा तो नहीं रही है, आपकी कंपनी हाइब्रिड प्लान के बना के आपको घुमा तो नहीं रही है, क्या वो जेन्युइन आपको 100% पॉइंट वैल्यू का सिस्टम दे रही है कि नहीं दे रही है, पूल इनकम दे रही है कि नहीं दे रही है। बाइनरी शाइनरी के दोस्तों टाइम निकल चुके हैं, अब इंडिया का मार्केट जो है वो मच्योर हो चुका है, लोगों में मच्योरिटी आ चुकी है,
अब लोग बाइनरी शाइनरी का सिस्टम नहीं देख रहे, लोग अब बाइनरी में नहीं जा रहे, अब लोग जेन्युइन काम करना चाहते हैं, लोग अब फील्ड में निकल के इस फील्ड को, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर अपना रहे हैं। अब लोग वो लिमिटेशन में नहीं जी सकते, लोग वो कैप इनकम में नहीं जी सकते, लोग अब वीकली इनकम बोली जो बताते हैं, जो टोपी घूमते हैं उसमें काम नहीं कर सकते, अब लोग जेन्युइन इनकम मांग रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप दिखाओ ना कैसा कितना कंपनी पे आउट कर रही है। तो सिर्फ पूल इनकम वाली कंपनी दोस्तों अपना 100% एफर्ट लगा के और अपना 100% जोर शोर से बोल सकती है कि हाँ मैं जितना पैसा बोल रही हूँ उतना पैसा बांट भी रही हूँ। बाकी ना बाइनरी इनकम वाली कंपनी बोल सकती है कि मैं इतना पैसा बांट रही हूँ, ना ही नॉर्मल जनरेशन वाली कंपनी बोल सकती है। तो ये पावर है, पे आउट है पूल इनकम का। जुड़ो हमारे साथ, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहा है इस वीडियो के नीचे। आप जुड़िए पूल इनकम के साथ और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बाइनरी में घुसे हुए हैं, जो नॉर्मल दूसरी कंपनियों में घुसे हुए जहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा आता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने और इन्हीं कंपनियों ने इस फील्ड को बदनाम करके रख दिया है। ये शॉर्ट टर्म गेम वाले इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाले बंदों ने इस जबरदस्त फील्ड को, नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करके रखा हुआ है और इन शॉर्ट टर्म बंदों को आने वाले 2 या 3 साल में उखाड़ के बाहर फेंक देंगे इस इंडस्ट्री से। और इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान प्राउडली बोलेगा कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। तो जुड़िए पूल इनकम के साथ, जुड़िए बेस्ट प्लान के साथ, जुड़िए बेस्ट प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट सर्विस के साथ और इस इंडस्ट्री को इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर वन इंडस्ट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।